thumri, thumri. जाओ तुम उन्हीं के पास जाओ. बुरी तो सिर्फ मैं ही हूं ना. मैं ही तुम्हारे लिए सबसे बेकार हूं. चली जाऊंगी तुम्हारी दुनिया से, इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए. सॉरी चाची जी, मैं कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ. पता नहीं क्या कह रही थी कि मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं. वो गुरु है, उसके गुरु मानती है उन्हें. मेरे पर्स में 10,000 रुपए थे. 6,000 ही है अभी. 4,000 रुपए कहाँ गए? माँ मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्स से पैसे कौन चुरा सकता है. वही तो बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. क्या माँ, इससे पहले भी हुआ है और आपने किसी से पूछा तक नहीं? बेटा मुझे लगा शायद मुझसे कहीं खर्च हो गए होंगे, लेकिन इस बार मुझे यकीन है नंदिनी, पर्स में 10,000 रुपए की गड्डी थी. ललित जरा यहाँ ना. बोलो दी, जल्दी बोलो, मुझे किसी जरूरी काम से थोड़ा बाहर जाना है. तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम आने लगा? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता. देखा माँ, देखा किस तरीके से जवाब दे रहा है ये. तुम दोनों झगड़ा मत करो. ललित बेटा, तुमने मेरे पर्स से पैसे पैसे लिए? हाँ, मैं आपके पर्स से क्यों पैसे लूंगा? क्योंकि तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई ऐसा कर भी नहीं सकता. दी, आप मुझे यहाँ पे चोर साबित कर रही हो. तो चोरी किसने की है? मुझे क्या पता. और माँ, आपके पर्स में कितने पैसे थे? बेटा मैं सुबह माधव के साथ बैंक गई थी, वहां से मैंने 10,000 रुपए निकाल के लाए थे. अभी पर्स में सिर्फ 6,000 रुपए हैं. 4,000 रुपए न जाने किसने लिए. अच्छा, तो माधव भैया गए थे आपके साथ बैंक में. अब पता चला माँ कि असली चोर कौन है. कौन? और इस घर में तो माधव भैया के अलावा कोई बाहरी नहीं है. क्या तुम माधव भैया को चोर साबित कर रहे हो? और नहीं तो क्या. माँ, सिर्फ माधव भैया को पता है कि आप बैंक से पैसे लेकर आई हैं. और आपको नहीं पता कि उनका दिमाग कितना शातिर है. और देखो, उन्होंने पूरे 10,000 नहीं चुराए, केवल 10,000 में से 4,000 रुपए चुराए हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि असली चोर माधव है. नहीं बेटा, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता. मत मानो माँ. माँ, असल में जो दिखते सीधे हैं ना, वही चोर होते हैं. और माधव भैया के अलावा इस घर में और कोई चोरी नहीं कर सकता माँ. आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरी हार पर? कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा मैं. आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे बल दो. पिताजी, बचपन में आपने मुझे स्वरों की चोट लगाई, लेकिन आज अपने चोट दे रहे हैं. ये चोट ज्यादा तकलीफ दे है. आपने मुझे संगीत के सारे स्वर तो सिखा दिए, लेकिन दुनियादारी का राग नहीं सिखाया. मुझे याद है वो दिन कटे कटे ना बिरहा की रात रे कटे ना.
कटे ना दिर की रात रे कटे ना दिर की रात रे कटे ना दिर की रात रे जियरा बहुत दास रे जियरा बहुत उदास रे कटे ना बिरहा की रात रे कटे ना बिरहा की रात रे आपकी विरासत को अकेले संभाले खड़ा हूं कुछ भी हो जाए कुछ भी हार नहीं मानूंगा पिताजी ये मां भी ना उस सागर की बातों में आ रही है पता नहीं उन्हें कब समझ आएगा वो यहाँ आकर अपना टाइम पास करता है और बेंगलोर से यहाँ वो करने क्या आया है अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ अकेले रहने आ गया मुझे उसका इरादा कुछ और लग रहा है बचपन में भी वो हमारे घर आया जाया करता था बड़े आदमी का बेटा तब भी मैं इसे अपने से अलग रखती थी लेकिन ये हंसी मजाक करता मेरा पीछा करता और मेरी चोटी खींचकर भाग जाया करता था आज भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा पीछा करते ही यहाँ आया है पता नहीं क्यों पर मुझे उसे चिढ़ सी होने लगी है
भैरवी, ये जो पल अभी हमारे बीच में बीता, इसका मतलब जानती है? इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। सागर, मुझे बहुत काम है। मुझे बताओ ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों मेरी मदद करोगे? भैरवी, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार, we are childhood friends, right? सागर, ये बार बार बचपन की दोस्ती का हवाला देकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? भैरवी, मुझे हमारी दोस्ती को साबित करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत है क्या? I mean, बचपन के 12 साल हमने साथ में बिताए। हाँ तो उन 12 सालों की वसूली करने आए हो? कैसी बातें कर रही हो सागर? बार बार जो तुम ये अपनी बचपन की दोस्ती दोहराते रहते हो ना, मुझे तो यही लगता है कि बेंगलोर से यहाँ तुम उन दिनों का हिसाब लेने के लिए आए हो। भैरवी, यू नो व्हाट, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो और तुम्हारा यही गुस्सा मुझे बहुत पसंद है। एंड वन मोर थिंग, ये गुस्से से ना प्यार तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मतलब? अब मतलब तो ऐसे बोलो जैसे कि मैंने कोई बहुत कठिन बात कह दी हो जो तुम्हें समझ में ही ना आए। सागर, मेरी जिंदगी में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। यस आई नो, ऑफ कोर्स, है ना, तुमने तो अपनी जिंदगी उस बूढ़े ओल्ड सिंगर के नाम कर दिए। सागर, तमीज से बात करो, मेरे गुरुजी के लिए कोई अपशब्द कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यू नो व्हाट, दिस इज टू मच नाउ, अगर हमें भी तो पता चले कि तुम्हारे और उनके बीच में है क्या, तुम्हारी और तुम्हारी माँ के साथ उनका रिश्ता क्या है। चाची जी भी पता नहीं क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। सस्पेंस? देखो भैरवी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम उनके लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो। दोस्ती में पागलपन समझ में आता है, लेकिन उनके लिए ऐसा पागलपन क्यों? देखो सागर, तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए या तुम्हारी दोस्ती निभाने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। भैरवी, यू नो व्हाट, इट्स रियली रिडिकुलस नाउ, क्या किस दुनिया में जी रही हो? वो बूढ़ा, दैट ओल्ड सिंगर, वो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। छोड़ो ये ठुमरी बुमरी, ये लाइफ एंजॉय करने के लिए, लेट्स एंजॉय दिस लाइफ यार। सागर, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानती तुम मेरे और गुरुजी के बीच में कौन सा रिश्ता तलाश रहे हो, लेकिन जान के बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। देखो भैरवी, आई एम ट्राइंग टू से कि बस तुमने बहुत कुछ कह लिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया, अब जाओ यहाँ से और कोशिश करना कि दोबारा यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। देखो भैरवी, मैं सागर, अपने लिए मेरे दिल में और नफरत पैदा मत करवाओ, मैंने कहा ना जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी और तुम्हारी माँ के साथ उनका रिश्ता क्या है? चाची जी भी पता नहीं, चाची जी भी पता नहीं क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। क्रिएट कर रही थी। तुमने तो अपनी जिंदगी उस बूढ़े ओल्ड सिंगर के नाम कर दिए। हाँ, मैं बता रही थी ना। ना, एक सेकंड रुका। संजना, कौन आ रही हूँ? हाँ मम्मा, क्या हुआ? मम्मी, आपको क्या हो गया है? क्या चाहिए? मम्मी, क्या कर रही हो आप? क्या ढूंढ रही हो आप मम्मा? संजना के पापा, जल्दी आइए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मिल गया सुरा। आपकी बेटी हमें धोखा दे रही है, धूल झोंक रही है। अरे बताओ भी कि तुम्हारी जासूसी ने ऐसा कौन सा सुराग ढूंढ निकाला है? मैं क्या कहती थी, संजना के कमरे में जरूर कोई आया था। ये देखिए चप्पल। ये चप्पल आपकी है? ना, मैं ऐसी चप्पल पहनता हूँ क्या? तो पूछिए अपने लाडली बेटी से, कौन था इसके कमरे में, किसकी चप्पल है ये? बताओ संजना, किसकी चप्पल है ये? कौन आया था यहाँ पर? आपा सच में मुझे क्या पता। झूठ, अब सच बोलेगी वरना? माँ, वैसे भी आप मेरा यकीन क्यों करेंगी, आपको तो यही लगेगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ।
तो क्या ये चप्पल उड़कर यहाँ पर आ गई? कोई आया ना गया? अब तुम सच पर पर्दा नहीं डाल सकती हो। बेशर्मी की हद होती है। देख लिया, आजादी का नतीजा ना कटा कर रख देगी हमारी ये। चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? कितना भरोसा किया था हमने तुम पर, लेकिन तुमने आज हमें शर्मिंदा कर दिया। अरे आप तो सुनकर भी अनसुना कर देते हो। इसके किस्से शहर में मशहूर है। मम्मी, तो बता ना, कौन है ये कबीर? मुझे तो पूरा यकीन है वो कबीर ही इसके बेडरूम में आया था। पता नहीं कब से चोरी छुपे उस कबीर को अपने कमरे में बुलाती होगी। मेरा तो माथा घूम रहा है। जी करता है अपना गला घोट दूं और फिर इसका ना। एक जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करूं, इस कलंकिनी की आरती उतारूं? इस शहर में हमारा जीना मुश्किल कर देगी ये। हे भगवान, उस कबीर को न जाने कितने लोगों ने हमारे घर में आते जाते देखा होगा, इसलिए हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुम जानते भी हो कबीर, एक ही दिन में तुमने घर का क्या हाल बना रखा है। मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया था, खुद चल के नहीं गया था मैं बाहर। अच्छा, जब बाबा ने कहा कि घर से बाहर निकल जाओ, उस आदेश का पूरा पालन किया तुमने? और उस चीज का क्या जब बाबा ने कहा था कि भारतीय संगीत में थोड़ा सा मन लगा लो? मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं वो मैं क्यों करूं? मतलब अभी भी वही जिद है? नंदनी, यही जिद ना इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। पर मैं तुम्हारी तरह ना ये लकीर का फकीर बन के नहीं रह सकता। बाबा ने कहा बेटा ये कर लो, ये कर लिया। बाबा ने कहा नाचो तो नाच लिया, है ना? जिस दिन हमेशा के लिए इस घर से निकल कर दर दर की ठोकरे खाओगे ना, उस दिन तुम्हें बाबा की अहमियत पता चलेगी। तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है मुझे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और हाँ, उस दिन जब तुम जावेद चाचा के साथ घर आए थे, नंगे पाँव आए थे ना, चप्पल कहाँ थी तुम्हारी? चप्पल? यहाँ? अरे यहाँ नहीं, मैंने पूछा चप्पल कहाँ छूट गई, याद नहीं आ रहा? मैं क्या करना है, कहीं रह गई होगी। एक्चुअली मैं पार्क के बेंच पे सो रहा था तो कोई चुरा के ले गया होगा। पूरे मोहल्ले वालों ने तुम्हें नंगे पाँव देखा है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो लोग? क्या सोच रहे होंगे? यही सोच रहे होंगे ना कि वो पागल है। आज तक मेरे घर वालों ने मुझे नहीं समझा, तो बाहर वाले क्या सोचते हैं क्या समझते हैं मुझे परवाह नहीं है। कहना बहुत आसान है, वैसे भी तुमने कभी घर वालों की परवाह तो की ही नहीं है। प्लीज, ऐसा किस घर में होता है? बेटे ने अपनी जिंदगी की राह अलग कर ली तो घर से बाहर निकाल दिया। ये घर नहीं है, इट्स लाइक अ म्यूजियम। बात करती है।
बनाएगा मेरी जिंदगी, पहले खुद की तो बना ले। बकवास करता है। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ कर रही हो, किसके लिए बोल रही हो? और कौन? वही जिसे बेटा बेटा कहते आपकी जबान नहीं थकती। कौन? सागर? अब क्या किया उसने? तुम उससे इतना चिढ़ती क्यों हो? माँ मैं पूछती हूँ यहाँ आता क्यों है? जब देखो मुंह उठा के चला आता है। अब देखो उसे तो कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन हमें तो है ना, हम उसकी तरह नकारा नहीं बैठ सकते। भैरवी अपनी आदत बदलो, सागर इतना अच्छा लड़का है। माँ अच्छे और बुरे की बात नहीं है, मैं मानती हूँ मेरा बचपन का दोस्त है, अब जाके वो मुझसे मिलने आया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दिन रात ही बैठा रहे, उसके चक्कर में मेरा रियाज भी नहीं हो पाता। सारा दिन रियाज ही तो करती रहती हो तुम, सुबह से लेके शाम तक तानपुरा पकड़े हुए। अरे सागर के आने से मेरा भी मन बहल जाता है। आपको मन बहलाने के सिवा काम ही क्या है माँ? लेकिन मुझे उसका इस तरह से घर में घुसे चले आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है बाबा ठीक है, कल आते ही उसके मुंह पे साफ साफ कह दूंगी। बेटा तुम यहाँ मत आया करो, हमारी बेटी को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है। नहीं नहीं मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं, अरे मैं बुरी बन जाऊं उसके आगे? वो इतना अच्छा लड़का है, इतना गुणवान रूपवान, पर तुम्हें भाता ही नहीं है। माँ आपको लोगों की पहचान नहीं है, आप जानती कितना है सागर को, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। एक वही लड़का था जिसकी वजह से मेरी सहेली चित्रा की जिंदगी खराब हो गई। ये लोग बैंगलोर यूं ही शिफ्ट नहीं हो गए थे, इन्हें फैजाबाद छोड़ना पड़ा था। अफवाह है ये सब, सारी बातें झूठी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जाते जाते वो तो ये भी क्या कर गया है कि मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और आप दोनों को अयोध्या घुमाने ले जाऊंगा। बदतमीज नालायक, इंस्पेक्टर साहब आप इसे छोड़ दीजिए, मैं अभी इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। सबक तो इसे हम सिखाएंगे, मैं इसे गिरफ्तार करके थाने ले जाऊंगा। चलो चलो। क्या क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ और मैडम अगर वो लड़का जिंदा नहीं बचा तो आपके इस लड़के की जिंदगी तबाह हो जाएगी, जेल में सड़ेगा ये।